लोग बहुत ही आसान सब्जी को बहुत ही टफ तरीके से दिखाते हैं। हम बहुत टफ लगने वाली सब्जी को बहुत आसान तरीके से आज दिखाएंगे। पत्ता गोभी की सब्जी को, जिसको देखकर लोग नाक भौं से कोड़ते हैं कि पत्ता गोभी की सब्जी है, लेकिन हम आज इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। पत्ते गोभी को धुल लेंगे और अच्छे से बारीक काट लेंगे। बारीक काट कर हम इसको एक साइड रखेंगे। अब आलू को अच्छे से धुल कर उसको भी साफ कर लेंगे। अब कुकर लेंगे, कुकर में हम पानी डालेंगे, उसमें हल्का सा नमक डालेंगे और आलू को उसमें बिछा देंगे। उसके ऊपर एक स्टैंड डालेंगे और उसके ऊपर एक थाली डालेंगे। उसके ऊपर कटी हुई ये जो पत्ता गोभी है, अदरक, मिर्च, लहसुन, सोयाबीन को धुल कर 5 मिनट भिगाने के बाद इसमें रखेंगे। उसके बाद इसको ढक्कन बंद कर देंगे और मध्यम आंच पर 2 सीटी लगाएंगे। अगर आलू बड़े हैं तो ज़्यादा सीटी लगा सकते हैं। एक साथ सब पक जाएगा। अब जब ठंडा हो जाएगा तो हम पत्ते गोभी को निचोड़ कर उसका पानी निकाल लेंगे। सोयाबीन को हल्का सा क्रश कर लेंगे। अब इन सबको एक साथ रख लेंगे और इसमें जो है हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और बेसन, मैदा इन सब को और नमक इन सब को डालकर अच्छे से इसका एक बड़ा सा सान कर इसका लोया जैसा बनाएंगे, और जिससे कि इसको हम अच्छे से मुट्ठी में बंद हो सके। और इसमें जो है जीरा पाउडर, काली मिर्च, धनिया का पत्ता, धनिया पाउडर, चिकन मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च, चाट मसाला, इन सब को एक साथ मिलाकर हम इसको एक मछली का आकार देंगे। आप मछली देखे हैं ना, उसमें इस तरह का होल कर देंगे और ये बिल्कुल मछली जैसा लगने लगेगा। अब इसको हम या तो डीप फ्राई करें या तो आप इसी तरह अच्छे से ऊपर नीचे करके सेक लेंगे। अब ग्रेवी के लिए हम इसमें तेल लेंगे और तेल में जो है मेथी दाना, तेज़पत्ता, खड़ा जीरा इन सब का तड़का लगाएंगे और बारीक कटा प्याज डालेंगे। इसको अच्छे से भुनेंगे और अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डालेंगे। इसमें बहुत ज़रूरी है, जो हम मछली का इसमें हम स्वाद दे रहे हैं तो इसमें हम पीली सरसों का प्रयोग करेंगे। काली मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, टमाटर की प्यूरी, जितना आपको जो मसाला पसंद है इसमें आप डाल देंगे और उसको अच्छे से भुनेंगे। और इसमें इसको अच्छा सा और अच्छा थोड़ा गाढ़ा ग्रेवी बनाने के लिए 1 चम्मच बेसन लेंगे, उसमें 2 चम्मच पानी मिलाकर इसको हम डाल देंगे, इसको भी भुनेंगे। फिर इसमें हम पानी डालेंगे और इसका खोलने लगे इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे और जो हमने जो मछली तैयार की है वेज फिश उसको इसमें हम डाल देंगे। और जब ये हल्का सा उबलने लगे तो हम बंद कर देंगे। इसको आप सर्व करिए और खाइए और खिलाइए। अब देखिए आप कितनी तारीफ पाते हैं। तो शांति किचन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।